छतरपुर में इन दिनों हथियारों का प्रदर्शन फैशन सा बन गया है। आए दिन हवाई फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। कई मौकों पर हवाई फायर और कट्टों को लहराते हुए युवकों के वीडियो एक तरह से पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। एक बार फिर एक युवक ने शादी में खुलेआम हवाई फायरिंग की। छतरपुर में आए दिन हवाई फायर की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसको लेकर असहाय हो गया है। अक्सर देखा गया है कि युवक शादी समारोह या अन्य मौकों पर अवैध कट्टे को लहराते हुए हवाई फायर करते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला बक्सवाहा से सामने आया है, जहां भीड़ में राय नेत्र के दौरान एक युवक द्वारा खुलेआम लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। अब कार्यक्रम में बंदूक से हवाई फायर करना और उसे सोशल मीडिया में डालकर वाहवाही लेने का फैशन बनता जा रहा है, जो कि समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की बंदूक जब्त कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। थाना बक्सवाहा अंतर्गत नरेंद्र परिहार एक वीडियो में गोली चलाते दिख रहे हैं, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी और जो हथियार उसमें इस्तेमाल हुआ था उसको जब्त कर लिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।